दोस्तों नमस्कार मैं हम और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ऑर्डर सन सोलर सिस्टम आज के हम अपने इस टॉपिक में बताएंगे दोस्तों आपको कि सोलर सिस्टम में जो लॉसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के लॉसेस होते हैं और सोलर सिस्टम में जो हम पी वी सिस्टम में सिमुलेशन करते हैं तो पी वी सिस्टम में होने वाले जो लॉसेस होते हैं पे वी सिस्टम के थ्रू जो लॉसेस हमें हम एज्यूम करते हैं अपनी एनालिसिस रिपोर्ट के लिए तो वो कौन कौन से होते हैं तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले चलते हैं लॉसेस इन सोलर पावर सिस्टम दैट इज़ पेवी सिस्ट लॉसेस तो दोस्तों सबसे पहले जो लॉस होता है वो होता है एल्बिडो लॉस ठीक है तो एल्बिडो फैक्टर होता है जो हम पेवी सिस्ट में कंसिडर करते हैं तो एल्बिडो दोस्तों होता क्या है आप जैसा देख रहे हैं ये इस डायग्राम में यहाँ से ये अर्थ है यहाँ सन रेज से सन रेज यहाँ सन से सन रेज आ रही हैं अर्थ पे पढ़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है मीन्स अल्बिडो क्या होता है दोस्तों अल्बीडो होता है अल्बिडो इज अ ग्राउंड रिफ्लेक्शन रेडिएशन मतलब इसकी जो वैल्यू होती है जीरो वन के बीच में होती है बट हम अल्बिडो की जो वैल्यू लेते हैं इन जनरल पी वी सिस्टम में वो जीरो पॉइंट टू लेते हैं ठीक है दोस्तों तो ये होता है एल्बिडो इज़ अ ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होता है मतलब सन से रेज जो आ रही हैं वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं मीन्स वो होता है एल्बिडो फैक्टर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है इन्वर्टर क्लिपिंग लॉस इन्वर्टर क्लिपिंग लॉस क्या होता है दोस्तों इन्वर्टर क्लिपिंग लॉस क्या होता है ये ये वी ओ सी पर डिपेंड करता है मीन्स अगर सिस्टम का वोल्टेज हमारा वी ओ सी सपोज मान लो थाउजेंड वोल्ट है और हमारा डिजाइन जो सिस्टम वोल्टेज है वो हमारा थाउजेंड वोल्ट से ऊपर हो गया मींस बारह सौ वोल्ट हो गया तो वहां पर दोस्तों क्लिपिंग लॉस ऑकआउट होगा मतलब वहाँ पे क्लिपिंग लॉस होगा और अगर हमारा सिस्टम वोल्टेज थाउजेंड वोल्ट के अंडर में ही है तो वहाँ क्लिपिंग लॉस नहीं होगा इसका मतलब है अगर हम लोग ओवर साइजिंग करते हैं डीसी की ओवरलोडिंग करते हैं तो वहाँ पे क्लिपिंग लॉस होने की संभावना होती है मतलब हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सिस्टम का वोल्टेज है वो जो हमारा सिस्टम डिजाइनिंग का वोल्टेज है वो सिस्टम वोल्टेज से ऊपर वी से ऊपर नहीं होना चाहिए वी के अंडर ही होना चाहिए तो ये इन्वर्टर क्लिपिंग लॉस होता है दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं इस डायग्राम में यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर के ऊपर वाला है ये यहाँ इन्वर्टर क्लिपिंग लॉस हो रहा है और जो उसके अंडर नीचे में है वो वी के अंडर में है वहां पे क्लिपिंग लॉस नहीं हो रहा और ये VOC के ऊपर में है वी से ऊपर है यहाँ पे क्लिपिंग लॉस हमारा हो रहा है ठीक है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ और लॉसेस होते हैं इंसिडेंस एंगल लॉसेज सॉइलिंग लॉसेज थर्मल लॉसेज एल आई मॉड्यूल क्वालिटी लॉसेज मिसमैच लॉसेज मॉड्यूल डिग्रेडेशन लॉसेज एंड ओहबिक वायरिंग लॉसेज तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंसिडेंस एंगल लॉसेज तो इंसिडेंस एंगल लॉस क्या होता है दोस्तों दिस हैपन्स ड्यू टू रेडिएशन लॉस इसका जो फैक्टर होता है आई एम लॉस का वो अप्रॉक्स लेस दैन थ्री परसेंट होता है फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर माने कि हंड्रेड परसेंट ड्रेज अगर हमारी सन से आ रही हैं तो हमें धरती पर नाइन्टी सेवन डेज अगर सपोज हमारे पैनल्स को नाइन्टी सेवन परसेंट रेज मिले हंड्रेड परसेंट ड्रेज अगर आ रही हैं और हमारे पैनल्स को नाइन्टी सेवन परसेंट रेज मिले तो तीन परसेंट ड्रेस का क्या हो गया लॉस हो गया दैट इज़ इंसीडेंस एंगल दैट इज दैट इज इंसिडेंस एंगल लॉसेस मीन्स इस एग्जाम्पल को जो समझते हैं ये हमारा रेज सन रेज से हंड्रेड परसेंट रेज आ रही है और एयर ग्लास के थ्रू और एयर यहाँ पे एयर और ग्लास के थ्रू कुछ रेज जो है रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं ठीक है तो इस तरीके से नाइन्टी सेवन परसेंट हमें ग्लास को हमारे ग्लास को ये रेज मिल रही है तो हमारा थ्री परसेंट का क्या हो गया इंसिडेंस एंगल लॉसेस हो गया ठीक है तो इसी को कहते हैं इंसिडेंस एंगल लॉसेस ओके इसको आई एम से डिनोट करते हैं इसके बाद आता है स्वाइलिंग लॉस दोस्तों तो स्वाइलिंग लॉस क्या होता है स्वाइलिंग लॉस बेसिकली होता है डस्ट और स्नो फैक्टर होता है मतलब स्वाइलिंग लॉस क्या होता है कि डस्ट और स्नो फैक्टर होता है ये हम जो वैल्यू होती है हम दो से तीन परसेंट स्वाइलिंग लॉस लेकर के चलते हैं इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में अगर मान लो बहुत ज़्यादा डस्टी बहुत ज़्यादा डस्टी वाला एरिया है तो वहाँ हम हाई डस्टी मतलब हाई डस्ट होती है वहाँ पे हाई डस्टी वाला इंडस्ट्रियल एरिया तो वहाँ हम पाँच परसेंट स्वाइलिंग फैक्टर लेकर चलते हैं और बेसिक जो जनरल वे में लेके चलते हैं दो से तीन हम लॉस लेकर चलते हैं, है है? ना? ठीक और के भी लॉस हमारा हैपन होता है इसके बाद आता है थर्मल लॉस थर्मल लॉस क्या होता है दोस्तों थर्मल लॉस होता है ड्यू टू द मॉड्यूल पीबी मॉड्यूल माउंटिंग अप्रोच के थ्रू होता है जो कि थर्मल लॉस होता है ठीक है तो थर्मल लॉस ड्यू टू दीबी मॉड्यूल माउंटिंग अप्रोच पे डिपेंड करता है व्हेन इंस्टॉलेशन ऑन ग्राउंड माउंट यूसी कांस्टेंट लॉसेस इज 22 परसेंट होता है एंड आरसीसी पे हम इसकी वैल्यू जो होती है लॉस की वो 18 परसेंट होती है फॉमूला होता है जो थर्मल लॉस का यू इक्वल टू होता है यू प्लस यू वी डॉट वी तो यहाँ पे यू इज़ द क्या है वैल्यू ऑफ इक्वलेंट टू द हीट ट्रांसफार्मेसर फैक्टर जो कि वाट पर मीटर स्क्वायर के में होती है यू सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है इन वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन यू वी इक्वल टू वेलोसिटी इन वाट पर वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पर मीटर सेकेंड अब आता है एलआईडी लॉस दोस्तों एलआईडी लॉस क्या होता है एलआईडी लॉस होता है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन इसका फुल फॉर्म होता है एलआईडी लॉस डेढ़ परसेंट के आसपास होता है दोस्तों ठीक है एलआईडी लॉस आकर वेन ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज इन द सिलिकॉन वेफर रिएक्ट विद द डोब्ड पी टाइप बोरॉन और गैलियम इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ द सेल दिस इफेक्ट कैन रिड्यूस सेल इफिशेंसी फ्रॉम टू टू फोर परसेंट मतलब जो एल आई डी लॉस होता है दोस्तों लाइट इंड्यूस्ड जो लाइट इंड्यूज होती है तो उस वो डिग्रेड होने लगती है दैट इज कॉल्ड एल आई डी लॉसेस तो ये डेढ़ परसेंट लेकर के हम चलते हैं इसके बाद आता दोस्तों, है दोस्तों मॉडल क्वालिटी लॉसिज मॉडल क्वालिटी लॉसेज जो होता है वो डिपेंड करता है पॉजिटिव और निगेटिव टॉलरेंस के ऊपर दोस्तों तो अगर पॉजिटिव टॉलरेंस है तो वहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा अगर निगेटिव टॉलरेंस है वहाँ प्रेजेंट है नेगेटिव टोलेंस अगर ज्यादा है तो उसके उसके कारण जो है हमारा जनरेशन रिड्यूस होता है तो ये होता है दोस्तों मॉड्यूल क्वालिटी लॉसेज तो मॉड्यूल क्वालिटी लॉसेज जो है वो दोस्तों ज्यादा तो नहीं होता है बट हम कंसिडर करके चलते हैं जीरो परसेंट ठीक है इसके बाद आता है हमारा मिस मैच लॉसेज मिस मैच लॉस दोस्तों हम वन परसेंट के आसपास लेकर के चलते हैं दिस लॉसेज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक पैनल सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम मान लो कोई हमारा ये इन्वर्टर है इसमें दो एम पी हैं तो इस दो एम पी में हम क्या कर रहे हैं एक अठारह पैनल की मॉड्यूल की सीरीज बना रहे हैं एक उन्नीस पैनल की मॉड्यूल की सीरीज बना रहे हैं इस तरीके से एक एम में हमने दे दिया इसका इनपुट और दूसरे एम में हमने अठारह पैनल की सीरीज का इनपुट दे दिया और सत्रह पैनल की सीरीज का इनपुट दिया तो मिस मैच क्या होता है दोस्तों कि अठारह पैनल की जो सीरीज है तो और उन्नीस पैनल की जो सीरीज

मॉड्यूल जो है जैसे एक साल से पच्चीस साल या एक साल से तीस साल तक की वारंटी अगर है तो उसमें फर्स्ट ईयर में हमारा टू परसेंट का डिग्रेडेशन होता है बाकी के टू टू ईयर से थर्टी ईयर्स तक जो डिग्रेडेशन होता है जीरो पॉइंट सिक्स से जीरो पॉइंट सेवन परसेंट होता है इस तरीके से तो टोटल तो 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 जो डिग्रेडेशन लॉस होता है वो होता है नाइनटीन पॉइंट फोर परसेंट ठीक है ओवर द थर्ड ईयर पीरियड तो ये होता है मॉड्यूल डिग्रेडेशन लॉसेज इसके बाद आता है दोस्तों ओमिक लॉसेज ओमिक लॉसेज क्या होता है ड्यू टू द केबल डीसी साइड के में जो केबल होती हैं उसके थ्रू जो लॉसेज होते हैं वो ओमिक लॉसेज होते हैं ओमिक लॉसेज जो है दोस्तों हम वो डेढ़ परसेंट के आसपास लेकर के चलते हैं ठीक है ये डीसी केबल में जो लॉसेज होते हैं ड्यू टू द रजिस्टेंस वो होता है उसके थ्रू जो होता है वो होता है ओमिक लॉसेज ठीक है इस तरीके से दोस्तों डीसी टू एसी कन्वर्जन लॉस ये क्या होता है इन्वर्टर पावर लॉस मतलब कि जब डीसी पावर को एसी सी पावर में कन्वर्ट किया जाता है इन्वर्टर के थ्रू दैट तो वहां पे जो लॉस होता है दैट इज उसको कहते हैं हम डीसी टू एसी कन्वर्जन लॉस ये दोस्तों साढ़े तीन परसेंट के आसपास होता है फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारी जो इनपुट पावर वो हंड्रेड वाट है डीसी में तो आउटपुट में अगर हमें नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव वाट मिल रही है ए सी पावर तो इफिशेंसी वहाँ पे कितनी हो गई हमारी नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट की इफिशेंसी हो गई और जो हमारा डी सी टू ए सी कन्वर्जन लॉस हुआ दोस्तों वो हो गया साढ़े तीन परसेंट का तो दोस्तों इस तरीके से ये सोलर पी वी सिस्टम के लॉसेस हो गए और पी वी सिस डिजाइन के समय जो लॉसेस होते हैं सिस्टम में वो ये लॉसेस हो गए हो गए तो इस तरीके से ये हमारे लॉसेस हैं सोलर पावर प्लांट में जब हम डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं तो डीसी साइड और एसी साइड कुछ लॉसेस हमारे सिस्टम में होते हैं उनको हम कहते हैं सोलर पावर प्लांट सिस्टम के लॉसेस और पीवी वी सिस सिमलेशन जब हम करते हैं तो वहाँ भी कुछ लॉसेस ऑकर्ड होते हैं जो कि हम डिज़ाइन में कंसीडर करते हैं अपनी सिमुलेशन रिपोर्ट निकालते समय तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया सारा पी सिस्टम का लॉसेस तो इस तरीके से दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ठीक है आप इसको कॉन्टीवू कीजिए आप इस वीडियो को ध्यान से लगातार देखिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है लॉसेस का भी सिस्टम वो आपको समझ में आए सारी वैल्यूज जो कंसीडर की हुई हैं लॉसेस की वो आपको धीरे धीरे समझ में आए तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए आडोसन सोलर सिस्टम के साथ नमस्कार